नमस्कार अम्रीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में ही सेंटर है भगवानपुर वाराणसी का, और आज CUET एग्ज़ाम का पहला दिन था। हम लोगों ने काफ़ी बच्चों से जो है वो रिव्यू लिया और बच्चों से भी रिव्यू ले रहे हैं, चूँकि पता चल सके कि जो NTA पेपर बना रहा है वो पेपर कैसा बना रहा है, अच्छा बना रहा है, सेटिस्फाइंग है, नहीं सेटिस्फाइंग है, तमाम चीज़ें जो है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें जिससे आइडिया लग सके कि बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाले समय में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो बताना चाहोगे कुछ, क्या नाम है आपका? हाँ थोड़ा लाउड बोलना, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अंजलि। अंजलि, अंजलि से हमारी बात हो रही है। हाँ अंजलि, जो पेपर है आज जो आपने दिया, क्या सब्जेक्ट था आपका? केमिस्ट्री। आप अभी 12th के जस्ट ईयर स्टूडेंट हो या गैप ईयर? 12th अपीयरिंग है। कितना आपका परसेंट है 12th में? 70। तो आपको नहीं लग रहा है कि रिजल्ट और एग्जाम बहुत नजदीक पड़ गया, जिसका इफेक्ट एग्जाम पे पड़ रहा है? क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा सा डाउन है मुझे लग रहा है, बट ठीक है ना, अभी आगे भी तो एग्जाम्स होंगे ना, जाने दो, अब जो हो गया हो गया। 7 वैसे भी लकी नंबर होता है, जिसके मार्क्स 7 से स्टार्ट होते हैं वो देखो आगे चल के सर्टिफिकेट्स का कोई वैल्यू नहीं है। 50 के ऊपर हो तो बात बन जाएगी, अगर एडमिशन कहीं हो जाता है तो बात ऐसे भी बन जानी है। ठीक है, अच्छा तो फिर बेसिकली क्या कहना चाहोगे पेपर के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? NCERT। कुछ बच्चे मुझे पेपर दिखा रहे थे कि एकदम डिक्टू NCERT के ही क्वेश्चंस फंस गए एग्जाम में। ऐसे नॉर्मली कोई 12th का पढ़ा वो भी कर लेगा, बस कुछ क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि जो 40 में कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 30। 40 में 30 अटेम्प्ट किए हो, बड़ा कम अटेम्प्ट, क्यों? बाकी कितने सही हो सकते हैं इसमें 30 में? सब सही। अच्छा चलो, तो फिर तो सैटिस्फाइंग है, अगर 30 सही है। नेगेटिव नहीं मारे हो, नहीं तो फिर तो सही है। क्या उम्मीद करते हो, कहाँ पढ़ना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज क्या लेके चल रहे हो माइंड में? तो मार्क्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अपना एक एम होता है ना कि हम टॉप यूनिवर्सिटीज खुद लेके चल रहे हैं। मुझे बेसिकली बीटेक करना था, जो मैं जेई में अच्छा मार्क्स आया था, फिर परसेंटेज इसमें कम आ गया। हाँ तो जेई का हटा दिया मैंने, इसी CUET से ही लेना है। CUET में BSc करोगे क्या? BSc करोगे? इंजीनियरिंग करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऐसे तो यूनिवर्सिटी बड़े कम होंगे, फिर तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा CUET के थ्रू। CUET के थ्रू मिल रहा है, जैसे कौन कौन सा यूनिवर्सिटी? अच्छा प्राइवेट वाले भी देख रहे हैं? प्राइवेट वाले मेरे CUET में, अब जेईई मेंस में 75 तक आए थे, जो एडवांस का कट ऑफ, लेकिन मेरा इसमें कम आ गया। तो अब मैं उसके बेसिस पे AKT काउंसलिंग भरूंगी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो अब काउंसलिंग पे अगर ध्यान दे दिए ना कि कहाँ गैप मिल रहा है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो सेटल हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि अब बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, मैं वैसे बहुत सारे बच्चों का जो चेहरा ना ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट आया है CBSE का, उससे उनका मोटिवेशन डाउन हुआ है, क्योंकि रिजल्ट CUET के जस्ट पहले